पिता अधिवक्ता, पुत्री ने भरी जज बनने की उड़ान, जिले क्षेत्र का बढ़ाया मान सम्मान, जनपद सिद्धार्थनगर के थाना जोगिया अंतर्गत हाटा खास की रहने वाली इंदु यादव के पिता रामशंकर यादव हाटा खास के रहने वाले हैं। वर्तमान में कृष्णा नगर नौगढ़ में रहते हैं। पेशे से एक अधिवक्ता हैं जो सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा दीक्षा में न्यौछावर कर दिया, जिसके चलते आज शाम रामशंकर यादव की पुत्री इंदु यादव की शिक्षा दीक्षा सिद्धार्थनगर सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में हुई और उच्च शिक्षा लखनऊ में ग्रहण किया, जिन्होंने वकालत की पढ़ाई और जज की उड़ान भरी थी, जिन्होंने आज अपने गरीबी के जीवन को समझते हुए ऊंचाइयां हासिल किया है। इंदु यादव आज जज की कुर्सी हासिल कर चुकी हैं। इस बेटी की कामयाबी को देखकर इंदु के परिवार में खुशी का माहौल छाया। जिस गांव क्षेत्र में जन्मी हाटा खास ही नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन कर इस बेटी ने जो सफलता हासिल किया है, वह आज की बेटियों के लिए सफलता की कुंजी नजर आ रही है। जिस प्रकार शहर के लोग बड़ी बड़ी सपने देखकर अच्छे जॉब सर्विस की तैयारी करते हैं, उससे कम नहीं है देहात की बेटियां जो आज अति पिछड़े जनपद के अति पिछड़े क्षेत्र हाटा खास की बेटी इंदु ने कर दिखाया है, जो आने वाली पीढ़ी एवं बेटियों के लिए उदाहरण बनकर क्षेत्र के लिए काम करेगा और लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जो एक मिसाल कायम किया है। बेटी इंदु ने जहां एक पिता अधिवक्ता रहे, वहीं अधिवक्ता की बड़ी पुत्री इंदु यादव जज की कुर्सी पर आसीन होकर न्याय करेंगी। सर, अभी मेरी यही सोच है कि मैं एचएएस क्वालिफाई करूं और हायर जुडिशियल सर्विस चाहेंगे। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को है, गुरुजनों को है, मेरे भाई बहन को है, दोस्तों को जाता है। आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे दो भाई बहन हैं, एक बहन है और एक छोटा भाई है। क्या नाम है इनका? बहन का नाम अनुपमा यादव और भाई का श्रेय कुमार यादव। ये कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं? बहन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी कर रही है और भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहा है। आपके पिताजी पेशे से क्या हैं? मेरे पिताजी पेशे से अधिवक्ता हैं। ये बताइए, इस उसमें आप सह किसको देंगी? आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? मेरी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई, उसके बाद मैंने रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने एलएलबी ऑनर्स किया 2018 में। आपकी सोच कब बदली? जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया तभी मैंने लखनऊ विश्व पापा ने बोला कि बेटा, तभी मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स के लिए एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मुझे जज बनना था, उसका मन में आ गया। अब तो आप जज बन भी गई, तो आप समाज का सेवा कैसे करेंगे? सबसे पहले जब मैं जुडिशरी ज्वाइन करूँगी तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम बहुत स्लो है और लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है और सबसे ज़्यादा केसेस यूपी में पेंडिंग है, 46 लाख। तो मेरा यही एम है कि मैं जल्दी से जल्दी केसों का निपटारा करूँ। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इस समय आप न्यायपालिका में गई हैं और जहाँ तक सुना जाता है न्यायपालिका में और भी भ्रष्टाचार है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी, इसको कैसे मिटाएंगी? सर, भ्रष्टाचार तो पहले लोअर लेवल से स्टार्ट शायद कम हो रहता है और मिटाने का तो मेरे हाथ में, मैं अपने लेवल पे काम करूँगी, मैं अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा से करूँगी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी और बाकी लोगों का मैं देखूँगी कैसे क्या होगा अभी आगे। अभी समय महिलाओं का, बालिकाओं का को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरा मानना है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो सिर्फ एक परिवार ही नहीं, दो परिवार को शिक्षित करती है, उसके आगे की आने वाली पीढ़ियाँ सब शिक्षित हो जाती हैं। तो ये मेरा ये भी कहना है कि शिक्षा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़। तो सबसे पहले शिक्षा को भी किसी भी माध्यम से, शिक्षा के द्वारा इन समाज का उत्थान कर सकते हैं, तो बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।
जैसे सुनने में आता है कि आपका जो पैतृक गांव है वो बहुत ही रूरल एरिया है, पिछड़ा है और अक्सर बाढ़ आती है, एक ही फसलें होती हैं, ऐसे जगह पर रह करके आपके पिताजी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो पिताजी को तो आप कितना धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद कितना देंगी? सर मैं इन्हें जितना धन्यवाद धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे लिए भगवान है और मैं धन्यवाद तो इस जन्म में मैं इनका ऋण नहीं उतार सकती हूँ। खबर जगत 24 न्यूज, जनपद सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।